हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ऐप टू रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी अपने WhatsApp की दूसरी ID बनाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि WhatsApp की दूसरी ID कैसे बना सकते हैं? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अमरजीत। वीडियो देखने के लिए चलते हैं अपने फोन पे। तो यहाँ पे हम अपने WhatsApp पे हैं और यहाँ पे हम अपने WhatsApp की दूसरी ID बनाना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि WhatsApp की दूसरी ID हम कैसे बना सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा पहली ID जो यहाँ पे पहले से लॉगिन है। तो हमें यहाँ पे अपना दूसरी ID बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे अपने पहली ID को लॉग आउट करना होगा। तो चलिए हम इसे लॉग आउट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसे कट कर देते हैं। कट करने के बाद हमें अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमें नीचे में स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ ऐप मैनेजमेंट। तो चलिए हम इसे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ ऐप लिस्ट। तो चलिए हम इसे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमें नीचे में स्क्रॉल करना है। नीचे में स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे में यहाँ पे आ चुका है WhatsApp। तो चलिए हम इसे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमें स्टोरेज यूज पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लियर डाटा को क्लियर कर देना है, ओके करना है। ओके करने के बाद इसे हम कट कर देते हैं। कट करने के बाद हमें फिर से अपने WhatsApp को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यू यहाँ पे आ गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि वेलकम टू WhatsApp। उसके बाद आप नीचे में देख सकते हैं कि नीचे में यहाँ पे आ चुका है एग्री एंड कंटिन्यू। तो चलिए हम इसे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे वही नंबर को डालना है जिस नंबर से हमें दूसरी ID बनाना है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना नंबर को सबमिट कर देता हूँ। और फाइनली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अपना नंबर को सबमिट कर दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि नीचे में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है नेक्स्ट का। तो चलिए हम इसे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओके करने के लिए बोल रहा है, तो चलिए हम इसे ओके कर देते हैं। उसके बाद हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है, अलाउ करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके फोन पे 6 डिजिट का कोड आएगा जो आपने नंबर को यहाँ पे सबमिट किया है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपने 6 डिजिट के कोड को यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ और यहाँ पे वेरीफाई भी हो चुका है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिया है रीस्टोर का, तो चलिए हम इसे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रीस्टोर हो रहा है। चलिए हम इसे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हमें यहाँ पे अपना नाम को टाइप कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना नाम को टाइप कर लेता हूँ। टाइप करने के बाद आप देख सकते हैं कि ऊपर में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कैमरा का, तो चलिए हम इसे क्लिक कर लेते हैं। गैलरी पे क्लिक करते हैं, अलाउ करते हैं और यहाँ से हमें किसी एक फोटो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम इसे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे डन कर देते हैं। डन करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा प्रोफाइल फोटो भी लग चुका है और यहाँ पे मैंने अपना नाम भी सबमिट कर दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि नीचे में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ नेक्स्ट का, तो चलिए हम इसे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा WhatsApp की दूसरी ID बन चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे न्यू आ रहा है। तो इसी तरह से आप अपने WhatsApp की दूसरी ID को क्रिएट कर सकते हैं।